सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं स्विच ओवर के बारे में, ठीक है। स्विच ओवर किस तरीके से क्या किया जाता है, स्विच ओवर करने का प्रोसेस क्या रहेगा, एंड उसके बाद क्या हम अगर ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में चले गए तो क्या हम वापस से न्यू से ओल्ड में आ सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट क्या क्या रहेंगे हमारे जून एग्जाम के लिए या फिर डिसंबर एग्जाम के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में। देन उसके बाद हमको एग्जामेशन क्या क्या मिलेंगी, लास्ट कट ऑफ डेट्स क्या क्या रहेंगी हमारे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, हाउ टू डू द स्विच ओवर, ठीक है। स्विच ओवर करने का प्रोसेस क्या क्या रहेगा तो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, यहां पर हमें अपने स्मैश पोर्टल को लॉग इन करके सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ICSI की वेबसाइट पर जाएंगे, ICSI.edu। देन उसके बाद हमें ऑनलाइन सर्विसेज के कॉलम में आ जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यूज़र आईडी जब हम रजिस्टर करवाते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर तो हमारे पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होता है, तो वो ही एंटर करके हम किस में आ सकते हैं, अपने स्मैश पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मॉड्यूल सेक्शन आएगा, मॉड्यूल सेक्शन के लास्ट में लिखा होगा क्या, स्विच ओवर, ठीक है। तो स्विच ओवर के अंदर अप्लाई फॉर स्विच ओवर पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम सारी अपनी डिटेल्स वगैरह को फिल करेंगे, डिटेल्स वगैरह हम चेक करेंगे। देन उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर, ठीक है, यहां पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारी सारी जितनी भी डिटेल्स है कि हमारे एग्जाम कितने क्लियर हो रखे हैं या फिर हमने कितने एग्जाम दे रखे हैं, कितने अपीयर कर रखे हैं अटेम्प्ट्स वगैरह, वो सारे इस स्क्रीन के अंदर विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्लिक करना है सबमिट के अंदर, सबमिट के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद कंफर्मेशन एक स्क्रीन आ जाएगी कि यस यू कंफर्म दिस स्विच ओवर एप्लीकेशन और नॉट, तो हमें कंफर्म के ऊपर या फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा स्विच ओवर हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है योर सिलेबस हैज बीन स्विच्ड ओवर फ्रॉम 2007 टू 2012, यहां पर लिखा हुआ आएगा कि 2017 से 2022, ये पुराना हमारा जो गाइड है, यूजर मैनुअल है, ये हमारी पुरानी है, बट न्यू बॉक्स में क्या आएगा 2017 से 2022, ठीक है। देन अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी ओल्ड से न्यू में जाने के बाद क्या हम न्यू सिलेबस से वापस ओल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज नो, कि हम न्यू में जाने के बाद वापस से ओल्ड में नहीं आ सकते, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट्स क्या क्या रहेंगे हमारे, तो एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट रहेगा जून 24, एंड प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के लिए लास्ट अटेम्प्ट हमारा क्या रहेगा, दिसंबर 24, ठीक है। इतनी बात हमारे को समझ आ गई है। अब हम देखेंगे कि हमें एग्जीक्यूटिव में क्या क्या एग्जम्पशंस मिलेंगी। सपोज करते हैं हमने ओल्ड सिलेबस के अंदर ग्रुप वन क्लियर कर लिया, ठीक है, तो हमें न्यू सिलेबस में JIGL का JIGL से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कंपनी लॉ का मॉड्यूल वन में कंपनी लॉ से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एंड SBEC का SBIL से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो यहां का टैक्स है मॉड्यूल टू के टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि हमें पूरा मॉड्यूल वन क्लियर करना है ओल्ड सिलेबस के अंदर, तभी हमें ये एग्जेम्प्शंस मिलेंगी, ठीक है। ग्रुप टू के अंदर क्या क्या हमें एग्जेम्पशंस मिलेंगी, सबसे पहले तो SLCM CMSL से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, CMSL हमें नहीं देना, EBCL का पेपर ECIPL से एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि हमें ECIPL का पेपर नहीं देना, CMA का पेपर एंड FSM का पेपर CAFM से एग्जेम्प्ट हो जाएगा मॉड्यूल वन में, ठीक है। अगर हमने मॉड्यूल टू क्लियर कर रखा है ओल्ड सिलेबस के अंदर तो हमें CMSL नहीं देना, ECIPL नहीं देना एंड CAFM नहीं देना, CMSL, ECIPL एंड CFM नहीं देना, ठीक है। देन इसके बाद अगर हमने ग्रुप वन क्लियर कर रखा है तो हमें ये चार सब्जेक्ट्स नहीं देने हैं। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि हमारी लास्ट डेट्स क्या क्या रहेंगी, कि हम एग्जाम फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं, हमारे स्विच ओवर की डेट्स क्या क्या हैं, एंड जो लेट फीस के साथ हमारी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो किस तरीके से होगी। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर डेट्स के PDF है, सो जितने भी PDFs का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, ठीक है। सो, अब हम देखेंगे कि हमारी एनरोलमेंट डेट कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये 26 फेब से हमारी स्टार्ट हो जाएगी, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या रहेगा, 25th ऑफ मार्च। देन उसके बाद अगर हम लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म को एनरोल करवाते या फिर हम लास्ट डेट के बाद अगर एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं एग्जाम फॉर्म में तो वो भी हो सकते हैं, बट उसके लिए हमें लेट फीस देनी पड़ेगी, बट वो कब तक हो सकती है, 9th ऑफ अप्रैल तक, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर हमने कोई पेपर एग्जेम्प्ट कर रखा है तो उसकी लास्ट डेट हमारी क्या रहेगी, 9th अप्रैल तक की, ठीक है।
देन उसके बाद हमारी एनरोलमेंट सर्विसेज, उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 1st of May, कि हम अपना एग्जाम सेंटर कब चेंज करवा सकते हैं एंड मॉड्यूल अगर हमें चेंज करवाना है या फिर एग्जामिशन रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है, ये लास्ट डेट कब तक रहेगी, 1st May तक। 1st May के पहले पहले हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, एग्जीक्यूटिव के लिए पर मॉड्यूल हमारा क्या रहेगा 1200 एंड प्रोफेशनल के लिए हमारा पर मॉड्यूल कितना रहेगा 1200, ठीक है। देन उसके बाद अगर लेट फीस हमने करी, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि 25 मार्च के बाद 9 अप्रैल तक इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो हमारी लेट फीस कितनी लगेगी 250 रुपीज़। देन उसके बाद चेंज फॉर सेंटर, अगर हमने जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 1st May से पहले पहले हमें चेंज ऑफ सेंटर या फिर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट वगैरह करनी है तो हम कर सकते हैं 1st May से पहले, बट उसके चार्जेस क्या लगेंगे 250 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी कि हमारी लास्ट डेट्स क्या क्या रहेंगी एंड हमारी सारी चीज़ें स्विच ओवर का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। सारी PDFs के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अगर चैनल पर पहली बार नहीं हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।